रिलायंस जियो के तरफ से कुछ वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप इसमें फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन चाहिए, कहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जितना हो सके सही जानकारी ढूंढ कर हम लाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई को सपोर्ट करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में ही आ रहा है कि रिलायंस से जियो का भर्ती यहाँ पर निकाला गया है, कुछ वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये डायरेक्ट एक छोटा सा इंटरव्यू पे आपका जॉब सेलेक्शन होने वाला है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाले हैं, सबसे बड़ी अपडेट है। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है सारी जानकारी हम देखते हैं। ये रिलायंस जियो की तरफ से वैकेंसी है और पोस्ट कौन कौन से है, यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट रखा गया है। देखिए, कस्टमर सर्विस के लिए रखा गया है, सेल डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है, अकाउंटेंट के लिए रखा गया है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए रखा गया है, बहुत सारा यहाँ पर, पैकिंग बॉय, फाइनेंस मैनेजर, ड्राइवर, हेल्पर, क्लर्क, टेक्नी, एशियन, असिस्टेंट, इंजीनियर, बहुत सारा यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। आपको अप्लाई करना कैसे करना है, आप अपने फ़ोन से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन हो तो या आपके पास लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। और फिर थोड़ा हम नीचे आते, सिलेक्शन कैसे होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो ये सिलेक्शन है एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें बेसिक डिटेल पूछा जाता है, बेसिक डिटेल कहने का मतलब जैसे आपने क्या किया है, आपका पढ़ाई कहाँ तक है, इससे पहले आप क्या करते थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाता है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं होता है। और हो सके तो जैसे इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ पर बहुत जगह पर रिज्यूमे भी खोजा जाता है, तो ये मांगा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप कहीं भी एक कैफे वाले से बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए या आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो हम उसके रिगार्डिंग एक और प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी जानकारी देंगे कैसे उसको बनाना है। और चलिए यहाँ पर आप सैलरी का बात कर लेते हैं, तो सैलरी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, उसका सबसे बड़े कारण ये है, सॉरी प्रॉब्लम बोला गया, सैलरी मेंशन नहीं होने का ये रीज़न है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा पोस्ट रखा गया है, तो बहुत सारा जब पोस्ट रखा गया है तो सैलरी सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर जो इंजीनियर होगा उसका पोस्ट सैलरी अलग होगा, असिस्टेंट का सैलरी अलग होगा, टेक्नीशियन का अलग होगा, क्लर्क का अलग होगा, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का सैलरी अलग अलग होता ही होता है, इसीलिए यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं किया हुआ है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर सारी डिटेल आपको पहले बता दिया जाता है, कुछ एग्रीमेंट वगैरह होता है तो उसी टाइम आपको सब चीज़ बता दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि जॉब कहाँ पर लगेगा, ये इंडिया में कहीं भी आपको जॉब लग सकता है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है, आप अगर किसी स्टेट से है और आप चाहते हैं कि उसी स्टेट में मेरा जॉब लगे, तो ऐसा ही होता है। आप इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के लास्ट में आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने ही स्टेट में जॉब दे दिया जाता है, फिर वहाँ पर सेटल कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 ईयर से 60 ईयर तक है, तो एज लिमिट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कितना भी उम्र के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है,
जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं रखा गया, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है। और आप 10th 12th पास है फिर भी इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है तो और बढ़िया है, और नहीं किया है फिर भी इस फॉर्म को 10th लेवल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑलरेडी भरा जा रखा है, आप जितना जल्द हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो सारी जानकारी आपको समझ आ गया होगा, और जो नहीं समझ आया होगा तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारी जानकारी बताया होता है, तो यहां से आप समझ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।